हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर। परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। थाने की ध्वनि प्रतीत होता है काका काके आ गए। कदाचित मेरे पापा भी। प्रणाम कुमार। मित्र दुर्योधन, यहाँ अचानक? क्यों, मित्र के अचानक आने पर प्रतिबंध है? आपका स्वागत है। कैसे हो मित्र? आश्चर्यचकित हूँ। आने का संदेश तो दिया होता मित्र, कम से कम स्वागत का प्रबंध तो कर लेते। स्वागत का समय नहीं है मित्र, हमें अभी और इसी समय कलंक की ओर प्रस्थान करना है। चलो। अचानक कलंक? हाँ, कलंक नरेश की पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण आया है। कदाचित तुम्हारे सहायता की आवश्यकता पर। अब इसे क्या हुआ है? तो वैशाली और मेरा विवाह होने वाला है। तुम्हें भी निमंत्रण भिजवाया है मित्र। विवाह? कब है विवाह? पूर्णिमा के अगले दिन। तो मुझे लगा था कि अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो उचित होगा, परंतु तुम्हारा विवाह भी है। पूर्णिमा आने में सप्ताह भर शेष है, अब तक मैं लौट आऊंगा। अवश्य किसी संकट का अनुमान होगा कुमार दुर्योधन, इसलिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। समझने का प्रयास करो रुशाल, मैं कुमार दुर्योधन का ऋणी हूं। उन्होंने मेरा लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी बहुत सहायता की और आज उन्हें सहायता की आवश्यकता है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मित्र की सहायता कर्ण का परम धर्म है। कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे, जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी। ये वृषा,
प्रतीक्षा करूंगी कल पूर्णिमा से पहले लौट आऊं। और हाँ, स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रही हूं, अकेली ही लौट, मैं कोई भी हो सौत किसी को नहीं भाती। जबी करण और कर्तव्य की राशि एक, शादी और विश्वास की राशि भी एक है। और अब जयकरण का कर्तव्य है कि वो वैशाली का विश्वास ना दो। वैशाली उसकी प्रतिज्ञा ये साथ कभी नहीं छूटेगा। जानती हूँ कर, तुम जाओ, परंतु शीघ्र ही लौटना, क्योंकि ये प्रेम बड़ा विचित्र है। चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, परंतु प्रेम में प्रतीक्षा और शंका केवल बढ़ती है। पूर्णिमा तक लौट आना कर, इस प्रतीक्षा को अमावस्या की अंतिम रात ना बना दे। इस राधेकरण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा, ये मेरा वचन है। ईश्वर करे मेरा स्वप्न सत्य सिद्ध ना। हे प्रभु, मेरा सपना सत्य सिद्ध हो। सुप्रिया, सुप्रिया शीघ्रता से चलो, राजकुमारी भानुमति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आ रहे नहीं होगा। सुप्रिया के अतिरिक्त कोई भी हमारी रूप सज्जा ठीक से नहीं कर सकता। कहाँ है सुप्रिया? यही हूँ सखी।
सुप्रिया, थोड़ी सांस तो लेने दिया करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे विवाह के पश्चात मेरे बिना क्या होगा तुम्हारा। होना क्या है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। क्या हुआ, इतनी चकित क्यों हो गई हो? सखी, स्वप्न। मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरा भी विवाह हो रहा है। अच्छा, तो तुमने अपने वर को देखा कि नहीं? नहीं, उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। मैं स्वप्न में भी उनके समक्ष अपनी आंखें खोल ही नहीं पाई। तो फिर सपने देखा क्या? बस यही कि उन्होंने अपना पग जहां रखा वहां पुष्प खिला। ओहो, तो तुम्हारे मन में भी प्रेम के पुष्प खिलने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वयंवर में अपने लिए वर ढूंढने लग जाओ। और भानुमती नाम का ये पुष्प कहीं बिना खिले ना रह जाए। अरे हंस क्या रही हो? सोचो, स्वयंवर में अगर तुम्हारा सपना साकार हो गया तो, कहीं तुम्हें वर भाग गया तो? तो क्या, मैं तुमसे तुम्हारी वरमाला छीनकर उस सूर्य के गले में डाल दूंगी। राजप्रसाद हस्तिनापुर जितना विशाल ना सही, किंतु सुंदरता में कम भी नहीं। अनुज दुर्योधन, आप तो बहुत शीघ्र ही आ गए। मुझे तो लगा कि आप अंग से होते हुए आएंगे, इसीलिए आपको विलंब होगा। शीघ्रता तो आपने दिखाई है युवराज, बड़ी ग्लानि होती है मुझे जब मैं सोचता हूं कि इस महान भारत युग को युधिष्ठिर जैसा युवराज मिला। पहले आपने अर्जुन की सहायता से युवराज का मुकुट तो धारण कर लिया, अब इसका भार भी संभाला नहीं जाता क्या आपसे? कि आज भी अर्जुन को ले आए हैं अपनी सहायता के लिए। मैं यहां भ्राता युधिष्ठिर के लिए नहीं,
आपके लिए आया हूं दुर्योधन। कहीं पांचाल नरेश की भांति यहां आपको किसी ने बंदी बना लिया तो आपको छुड़वा तो सकूं। आज यहां आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। आज दुर्योधन के साथ कर्ण भी प्रस्तुत है जो उनकी हर शत्रु से रक्षा करने में समर्थ है। चाहे वो कोई राजा हो या किसी युवराज का सहायक। तो क्यों ना अधूरा द्वंद यहीं पूरा कर लिया जाए। कर्ण ना ये रंगभूमि है ना ये रणभूमि है। मैं यहां तुमसे द्वंद नहीं करने आया अर्जुन। मैं यहां अपने मित्र की सहायता करने आया। मैं वचन देता हूं कि पहला बाण मैं नहीं चलाऊंगा, परंतु यदि किसी और ने आक्रमण किया तो उस युद्ध को अंत करने का अंतिम बाण मेरा होगा। शांत रहो, ये मत भूलो कि हम यहां पर ना तो प्रतिस्पर्धी हैं और ना ही शत्रु। दुर्योधन भी हमारा ही भ्राता है। हम यहां पर हस्तिनापुर से स्वयंवर में भाग लेने आए। अनुज दुर्योधन, हम यहां से हस्तिनापुर की राजवधू लेके जाने आए, इसीलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वरन आपका हो या मेरा। चलो अनुज, झरोके में आइए ना। यहाँ से स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। चलिए। नहीं सखी, राज्यसभा में आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इन राजाओं और राजकुमारों को अच्छे से देख लीजिए, वर चुनने में सरलता होगी आपको। इतने सारे राजकुमारों में से किसी एक का चयन करना कोई आसानी का तो नहीं है ना। इतना कठिन भी नहीं है सखी। एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि किससे विवाह करना चाहिए। हाँ चलो कर्ण, हम वहां बैठेंगे। क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अवश्य तुम्हारे साथ आया, परंतु मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। ये स्थान तुम्हारे लिए है। तो तुम क्या करोगे? मेरा कार्य तुम्हारी रक्षा करना है। मैं इस महल का निरीक्षण कर आता हूं।